गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज राहुल देव कुटेला। आज बात करेंगे प्रदूषण और पराली। क्या हमारी सरकारें, मीडिया हाउस, बुद्धिजीवी, पत्रकार प्रदूषण को लेकर चिंतित हैं? क्या इसको कम करना चाहते हैं या केवल शोर मचाने का और बॉल पासिंग का किसान को ब्लेम करने का एक तरीका है? अभी खेतों पर आया हुआ हूँ और मेरे पीछे यह जो फसल लहला रही है, यह कपास की फसल है। लाखों पौधे होते हैं एक खेत में जब फसल होती है, और ये पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को और जहरीले पॉल्यूटेंट्स को सोखते हैं, ना कि इमिट करते हैं। ठीक है, तो आपकी मनसा पर तो यही सवाल उठ गया। नंबर दो बात, किसान केवल 2% किसान ऐसा है जो कि धान उगाता है जिसमें से पराली बनती है, और उस 2% में से भी केवल 1% ऐसा जो पराली को जलाता है। अब बात करते हैं हाल फिलहाल जो पॉल्यूशन बना हुआ है। ये पॉल्यूशन किस लिए बना हुआ है? क्योंकि दिवाली आ गई है, सर्दियों का टाइम भी है, मॉइस्चर है, कंडेंस है, एयर हवा में नमी है, इसलिए जो प्रदूषण है वो फंस गया है। दिवाली के पटाखे आपने खूब फोड़े हैं, उसके लिए शुभकामनाएं आपको। डोंट ब्लेम द फार्मर्स, मीडिया हाउसेस, अरविंद केजरीवाल साहब, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, NGT, भारत सरकार, हरियाणा सरकार। डोंट ब्लेम द फार्मर्स। ओके, आपकी मंशा नहीं है पॉल्यूशन को कम करने की। आम आदमी क्यों जिएगा भाई? 200-250 जो AQI की आप बात करते हो, एयर क्वालिटी इंडेक्स, PM लेवल जो 200-250 हर दिन, साल के 350 दिन रहता है। मैं कहता हूं 15 दिन किसान ने पराली जला के उसको 400-500 कर दिया, साल के 365 दिन हम क्यों जिए 250 AQI में? 250-300 मांग क्यों जिए? कोई पूछने वाला नहीं ना आपसे, आप मनमानी करते हो। किसान एक सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए आपने मीडिया हाउसेस बैठा रखे, पत्रकार अपने बैठा रखे हैं कि किसान को बदनाम करते रहो, लोगों के जहन में फैलाते रहो कि हाँ भाई किसान ही कर रहा है बस प्रदूषण, हम तो दूध के धुले हुए हैं। आपने जो फैक्ट्रियां लगा रखी है ना दुनिया भर की, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CTO, CTE, कंसेंट टू ऑपरेट, कंसेंट टू एस्टेब्लिश, ये इश्यू करता है हर साल फैक्ट्रियों को, जो कि एक लाइसेंस होता है जिसमें कि पूरे प्रोसेस की स्टडी होती है, फिर भी पैसे लेकर के सर्टिफिकेट इश्यू होता है। खुलेआम आपकी निगाहों के नीचे लौकी झज्जियां उड़ाई जाती हैं, दिन रात प्रदूषण करती हैं फैक्ट्रियां, दिन रात। गंगा, यमुना और इन नहरों का पानी किसानों ने गंदा नहीं किया है, ठीक है? किसान तो भुगत भोगी है, जब नहरों से गंदा पानी अपने खेत में डालता है ना, फिर तुम रोते हो कैंसर हो गया, बीमारियां बढ़ रही हैं, बिकॉज आपके पास कोई ठोस प्लान नहीं है, केवल आप बॉल पासिंग कर रहे हो। ठीक है, एक सरकार दूसरी सरकार को बॉल पासिंग कर रही है, एक बॉडीज, मतलब जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो NGT को कर रही है, फलानी डिम के, बस यही हो रहा है देश में। आपके पास कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है, बुद्धिजीवियों और पत्रकारों, ओ बिकाऊ मीडिया वालों, ठीक है? आप कोई PhD होल्डर नहीं हो एनवायरमेंट के ऊपर, पहले स्टडी तो कर लो भाई। कितनी शर्म की बात है, आप गरीब किसानों पर जुर्माना ठोक देते हो। आपने दो दिन पहले एक दिन में केवल 150 किसानों पर जुर्माना कर दिया। आपकी सैटेलाइट इस काम आती कि जुर्माना कर सके पराली जलाते हो किसानों पर। भाई ये सैटेलाइट का ना दुरुपयोग मत करो, इसका सदुपयोग करो। साल के 350 दिन की जो मैं बात कर रहा हूं ना, वो एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है। 350 दिन जो फैक्ट्रियां, आपके जो वाहन चल रहे हैं, आपने जो बैठा रखे ना पेट्रोल पंप पे, वो पॉल्यूशन करने वाला जो बंदा बैठा रहता है, वो ऐसे ही बिना देखे ना सर्टिफिकेट इश्यू कर देता कि हाँ आपकी गाड़ी पॉल्यूशन नहीं कर रही है, ये है आपके कानून। केवल बॉल पासिंग हो रही है, बॉल पासिंग मत करो। फैक्ट्रियों से दिन रात जहरीला धुआं उगलता है, दिन रात। फैक्ट्रियों के पास ऐसा नहीं सॉल्यूशन नहीं है, दे हैव द सॉल्यूशन, वी हैव द टेक्नोलॉजी अवेलेबल, टेक्नोलॉजी है, लेकिन करना नहीं चाहते। क्यों? टेक्नोलॉजी में पैसा लगता है, उनको 1-2 लाख दे दो, ठीक है जी, पॉल्यूशन फैलाते रहो, फैला रहे हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद, नोएडा, मानेसर इंक्लूडिंग पलवल, हजारों चिमनियां चलती हैं दिन रात 24 घंटे, हजारों चिमनियां, जिनसे कि फूल बरसते फूल, ठीक है? किसान जलाता है पराली तो उनसे निकलता धुआं, चिमनियों से बरसते फूल जो तुम्हारे घरों में ना सुगंध फैलाते हैं। शर्म करो यार पत्रकारों, कुछ तो शर्म करो, हैं? कुछ कॉन्क्रीट प्लान लाओ, ठीक है? इसको कैसे कम किया जाए? फैक्ट्री वालों के ऊपर ना, जो तुमने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बैठा रखा है, NGT जो बैठा रखा है, इनको बोलो कुछ काम करें, बदनाम मत करो किसानों को। इनफ इज इनफ, इट पेन्स, बिकॉज आई बिलोंग टू ए फार्मर फैमिली, इट पेन्स अ लॉट।
काम कर लो। नमस्कार।